मंगलवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में 100 फीट की ऊंचाई पर राष्ट्रीय ध्वज लहराएगा। गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 19 जून को शाम 4:30 पर किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए JCI गोरखपुर मिड टाउन के अध्यक्ष विनीत पौदवार ने कहा कि इस लोकार्पण समारोह की अध्यक्षता गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह करेंगे। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय परिसर में 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज की स्थापना का उद्देश्य लोगों में राष्ट्र के प्रति भक्ति को जागृत करना है। उन्होंने कहा, सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि JCI गोरखपुर मिड टाउन द्वारा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज लगाया जा रहा है, जिसमें कि JCI गोरखपुर मिड टाउन आगे बढ़ करके उस काम को कर रहा है। आज हमारे लिए यह बहुत ही गर्व की बात है, गोरखपुर विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय ध्वज लग रहा है। आज वह स्थल एक बन जाएगा, आज लोग आकर वहां पर कुछ समय बिता सकते हैं। सर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इसका उद्घाटन 19 जून दिन मंगलवार को माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया जा रहा है एवं इसकी अध्यक्षता हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति श्री प्रोफेसर विजय कुमार सिंह जी कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि यह प्रोग्राम बहुत अच्छा जाएगा और यह प्रोजेक्ट हमारे लिए गर्व की बात है, JCI गोरखपुर मिड टाउन के लिए गर्व की बात है। मेरा सभी गोरखपुर वासियों से और JCI मेंबर से अनुरोध है कि इस प्रोजेक्ट इस मुहिम को सफल बनाएं और इसमें हमारे साथ मेन स्पॉन्सर के रूप में नाइन जुड़ जाए। नाइन का मतलब ये है सैनिटरी नैपकिन। ये सैनिटरी नैपकिन के बारे में मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, ये एक NGO चालू हुआ है और इसमें नाइन मीन्स ये हुआ कि जैसे महिलाओं का जो पीरियड्स आते हैं उसकी अवेयरनेस के लिए इसको यूज़ किया गया है, नाइन वर्ड। और इसमें नाइन के ओनर श्री अमर तुलस्यान जी हैं और ये हमारे मेन स्पॉन्सर हैं। हमारी सोच आई, हमारे जो पूर्व अध्यक्ष हैं, पूर्व अध्यक्ष JC नितेश पोदार जी, JC विवेक अग्रवाल जी, JC गौरव जिंदल जी, JC पुनीत अग्रवाल जी, इन्होंने यह सोच उत्पन्न की। आज इनकी सोच 2 साल पहले यह सोच आई और इसको हम लोगों ने काफ़ी, सबसे पहले आज से 1 साल पहले हम लोग मुख्यमंत्री जी के पास गए थे, हमारे पूर्व अध्यक्ष गए और मुख्यमंत्री जी ने इस प्रोजेक्ट को काफ़ी सराहा कि आप इस प्रोजेक्ट को गोरखपुर में करिए, गोरखपुर के लिए हमारे लिए गर्व की बात रहेगी कि ये प्रोजेक्ट हम 100 फीट का राष्ट्रीय ध्वज गोरखपुर में लगाएंगे। तो हमारे पूर्व अध्यक्ष ने इसको आगे बढ़ करके किया। उसके बाद इसमें हमें काफ़ी टाइम लगा, हमने कई जगह ट्राई किया, गोरखनाथ मंदिर में ट्राई किया और भी कई जगह ट्राई किया, बट हमें इसकी परमिशन गोरखपुर यूनिवर्सिटी से मिली। आज इसका कार्य 8 महीने से चल रहा है। आज हमारा उद्देश्य यह था कि आज एक राष्ट्रीय ध्वज लगने से लोगों के अंदर अपनापन आएगा, लोगों के अंदर एक भावना आएगी, एक देश प्रेम जागेगा, अपनापन जागेगा और वह एक ऐसा पॉइंट बनेगा कि लोग वहाँ पर इकट्ठा हो सकेंगे और मतलब वहाँ हमारे गोरखपुर के लिए एक गर्व की बात रहेगी। और इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, हमारे संस्था के सचिव JC पीयूष जैन जी, संस्था के जेसरेट विंग चेयरपर्सन अनुराधा जैन भाभी, सेक्रेटरी मनीषा भगत भाभी और हमारी पूरी बोर्ड मेंबर का JC हिमांशु अग्रवाल जी, कुशाल खट्टर जी, मोहित अग्रवाल जी, विभोर पोदार जी, मयंक मित्तल जी, हमारे संस्था के PRO नवीन पालरीवाल जी, सभी पूर्व अध्यक्षों का, सभी बोर्ड मेंबर्स का, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।